जैसे कि अगर किसी के शरीर के स्किन पर सफ़ेद दाग या फिर वेटेलिगो की समस्या है तो इस समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपने देखा होगा जब किसी के शरीर में सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तब उसके शरीर का जो त्वचा यानी जो स्किन है वो दूध के रंग के जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के चेहरे पर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तो उसके चेहरे के पर्टिकुलर एरिया पर एकदम वाइट वाइट हो जाता है, चेहरा एकदम दूध के जैसा हो जाता है और जो सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है ये बढ़ता रहता है कंटिन्यू। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर आप इलाज या दवा नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे चेहरे पर भी ये हो जाता है। और जैसे कि सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आपके हाथों में हो सकता है, आपके ओठ के साइड में हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर उनका जो स्किन है यानी जो उनका ओठ का स्किन है वहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। और जैसे कि जो हाथों की उंगलियां हैं उंगल नाह के साइड में नाखून के साइड में यहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, चेहरे पर हो जाता है, कान के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, गाल पे हो जाता है, पीठ पर समस्या हो जाता है, पैरों में हो जाता है, मांसपेशियों के साइड में भी आपने देखा होगा पैरों के वहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी बॉडी पर अगर कहीं पर भी आपके शरीर में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है तो इस समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस सिरप का उपयोग और किस प्रकार की दिक्कत और किस प्रकार की समस्या यानी स्किन पर किस प्रकार की सफ़ेद दाग की समस्या रहती है या फिर वेटिलिगो की समस्या में किस प्रकार की वेटिलिगो की समस्या में ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है, इस सिरप का यूज़ क्या होता है, ये सिरप एक दिन में कितना ml कितनी बार पीना होता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सिरप को एक दिन में कितनी बार आप ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के शरीर पर कहीं पर बॉडी में पूरे बॉडी में कहीं पर अगर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है जिसे वेटिलिगो कहते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, आपने देखा होगा उसके शरीर में वाइट वाइट चकत्थे से हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले छोटा रहता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा नहीं लेंगे या फिर कोई भी क्रीम कोई भी लोशन आप अप्लाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है जो सफ़ेद दाग की समस्या रहता है ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है और ये एक जगह से फिर दूसरी जगह भी निकलने की समस्या होता रहता है, यानी एक प्रकार से ये बढ़ता रहता है। यह एक चरम रोग होता है जो आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चरम रोग एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर आप मेडिसिन या दवा नहीं लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में हो जाता है। चरम रोग ये आपके ओठ के साइड में हो सकता है, आपके कान पे हो सकता है, आपके आँखों के नीचे हो सकता है, आपके पीठ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, आपके जांघों के साइड में हो सकता है, आपके पैरों के उंगलियों के भी बीच में ये समस्या देखा गया है, आपके आँखों के जो ये बरौनी होता है उसमें भी आँखों के साइड में भी ये समस्या हो सकता है। इन सारी समस्याओं को यानी सफ़ेद दाग की समस्या अगर आपके बॉडी में कहीं पर किसी भी प्रकार का सफ़ेद दाग की समस्या रहता है तो ये सिरप उस समस्या को एकदम जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है वेटिलिगो की समस्या में यानी सफ़ेद दाग की समस्या में। चलिए अब हम आपको इस सिरप के यूज़ के बारे में बताते हैं, ये सिरप कैसे यूज़ करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाए। जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या और उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं, लेकिन हम आपको एडल्ट में जो इस सिरप का डोज होता है जैसे कि 10 ml सुबह 10 ml शाम को ये सिरप पीने के लिए बताया जाता है, दिन में 2 बार ये सिरप पीने के लिए बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि जब भी आप ये सिरप लें तो इस सिरप के साथ में आपको और कोई सिरप अपनी मर्जी से नहीं पीना होता है, अगर डॉक्टर ने इस सिरप के साथ में और कोई मेडिसिन दिया है तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, और डॉक्टर ने इस सिरप के साथ में अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई मेडिसिन इस सिरप के साथ में उपयोग ना करें, नहीं तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से एक बार अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में दवा लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।